हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जैन नवाज, जैसा कि आप लोग जानते हो। बैक अगेन न्यू वीडियो आफ्टर अ लॉन्ग 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 टाइम। तो यार, आज सुबह मैं जा रहा हूँ कॉलेज, अपने पुराने कॉलेज। बस कुछ यादें हैं उधर अपनी, वही बस देखने जा रहे हैं। मैं काफ़ी देर बाद जा रहा हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि आपको एक छोटा सा उसका व्लॉग बना कर दिखाऊँ। तो आज सुबह मैं जाने वाला हूँ कॉलेज, तो जो है ना, मैं अपने कॉलेज का आपको विजिट करवाऊँगा, थोड़े से उसके शॉट्स वगैरह बनाकर आपको वीडियोस दिखाऊँगा। काफ़ी ज़्यादा दोस्त हैं यार मेरे, वो जो छोड़ गए हैं बस, उनके मोबाइल के नंबर जो है ना मेरे मोबाइल में सेव हैं, लेकिन बात आज तक नहीं उनसे हुई। कि मतलब कि इतना दूर चले जाते हैं और फिर ज़िंदगी में मिलते भी नहीं हम लोग। और बंदा जो है ना आजकल के दौर में अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी है, जैसा मैं भी बिजी हूँ, सारे दोस्त बिजी हैं, और एक साथ इकट्ठे होकर मिलकर बैठना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया हुआ है, ठीक है। तो यार, आज हम कॉलेज के लिए घर से निकल चुके थे, गर्मी सुबह बहुत ज़्यादा हो रही थी आज। तो मैं तकरीबन जो है ना 3 साल बाद कॉलेज जा रहा हूँ। एक दफ़ा पहले गया था कल्चर फेस्टिवल पे, तो चक्कर शक्कर लगा आगे, वैसे ही घूम के आ गया था, अकेले गया था, कोई दोस्त वगैरह नहीं आए थे। अभी जो है ना दोस्त है मोहल्ले का, उसी के साथ जा रहा हूँ। तो भाई, हम कॉलेज में एंटर हो चुके थे, इसका इंटरफेस इस तरह का था। तो सामने वो मीरा सनाल के सामने लड़कियां काफ़ी ज़्यादा थी, मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं की, ऐसा अच्छा नहीं लगता अगर वो वीडियोस में आती, तो मैंने बस छोटा शॉट लिया है। सामने कैमरे आते थे दो मैं हवारी करते हुए हैं, कॉलेज इंजॉय करते हुए। यार, ये सामने हमारा अल्लामा इकबाल ब्लॉक है, उसके साथ रेड वाला ये मीर हसन हॉल है, जो दूर से दिखा रहा हूँ ये फुटबॉल ग्राउंड है, और साथ में कंटीन है जहाँ से लड़कियाँ गुजरी है अभी। और पसीने के साथ मेरा इतना बुरा हाल हो गया था, गर्मी आज बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी। फिर मैं दूसरी साइड पर आया, तो यहाँ से मैंने एक छोटा सा शॉट लिया, लड़के घूम रहे थे, गर्मी में भी इंजॉय कर रहे थे। ये एक चर्च है, लोग अक्सर जाते हैं यहाँ पर, कुछ लोग जो क्रिश्चियन है। फिर मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे जो है ना पहले फर्स्ट सेकंड ईयर की क्लासेस हुआ करती थी, अभी जो है ना बीएस की क्लासेस होती हैं। तो आज मैं देख रहा था बीएस की क्लासेस हो रही थी, यार इन्होंने सीटिंग एरिया बहुत अच्छा बना दिया हुआ है। फिर दूसरी तरफ आया मैं, वही अल्लामा इकबाल ब्लॉक वो सामने नज़र आ रहा है आपको। तो गर्मी आज बहुत ही ज़्यादा थी, मैं कहता हूँ देखें क्या नज़ारा था कॉलेज का। यादें रह जाती हैं यार, वो दोस्त नहीं रहते, वो बातें नहीं रहती हैं, बस यादें रह जाती हैं। मैं आज इसीलिए गया था, मैं कॉलेज की कुछ यादें ताज़ा हो गई थी मेरी। ये वो सामने जो है ना कृष्ण लाल चोपड़ा का वो एक स्टैचू बना हुआ है, अगर कोई इसकी हिस्ट्री जानता है तो मुझे कमेंट में बताना। ये हमारी लाइब्रेरी है जिसमें अभी काम चल रहा था, पेंट वगैरह हो रहे थे इसके अंदर से, मैंने इसीलिए नहीं दिखाया क्योंकि अब पेंट वगैरह का काम चल रहा था। तो ये हमारा फिल्टर है, गंदा सा लेकिन है सही यार। पानी कभी कभी ठंडा आता है यहाँ पर, तो अक्सर गर्म ही होता है। तो आज वेदर भी बहुत अच्छा था, मतलब कि ठीक था, सनलाइट बहुत अच्छी थी, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। तो मैं आगे फिर दोस्त के साथ खड़ा था, ये भी अंदर आया है, इसकी भी वीडियोस बनाई मैंने। ये बीएस का मेरा दोस्त है, लास्ट सेमेस्टर इसका चल रहा था। उसके बाद मैं आया बास्केटबॉल ग्राउंड में, तो इधर यार मुझे नहीं पता कि ये अभी क्या बना रहे हैं, ये एक टावर सा बना रहे हैं, अगर किसी को पता है तो कमेंट में बताओ। ये है हमारा बीबीए डिपार्टमेंट, ठीक है। बीबीए डिपार्टमेंट अगर सारे ही जानते हैं कॉलेज में, अगर जो कॉलेज के बाहर हैं, जो नहीं, जिसको नहीं पता तो वो देख ले, बीबीए डिपार्टमेंट है ये हमारा। तो जो है ना अक्सर लोग जो है ना कॉलेज छोड़ कर चले जाते हैं, लेकिन उनकी यादें रह जाती हैं, फिर वो पता नहीं ज़िंदगी में कब मिलते हैं कब नहीं। तो मैंने भी इसीलिए वीडियोज़ बनाई थी कि यार यादें हैं थोड़ी सी ताज़ा हो जाती हैं बंदा वीडियोस देख के, तो मैंने इसीलिए बना के व्लॉग जो है ना अपलोड कर रहा हूँ। तो इतनी गर्मी में बैठ के यार ये इधर खड़े हो गए, मतलब कि भाग भाग के ये लोग क्रिकेट खेल रहे थे, मुझे समझ नहीं आ रही थी, हमसे ऐसे नहीं खड़ा हुआ जा रहा था, ये धूप में क्रिकेट खेल रहे थे, बड़ी बात है यार। तो बहुत ज़्यादा इधर थोड़ी सी हवा भी चल रही थी,
माहौल इधर का ठीक था। और यार ये है मेरा सबसे फेवरेट ब्लॉग है हमें ब्लॉग, इसमें सबसे ज़्यादा हुसन पाया जाता है मतलब कि सबसे प्यारी लड़कियां इसी ब्लॉग में होती हैं। तो सर्दियों में ना इतना ज़्यादा रश होता है ना इस ग्राउंड में, मैं क्या बताऊँ आपको, जैसे मवेशी मंडी लगी हो तो यार ये एम ए ब्लॉग का कुछ बैकग्राउंड सीन कुछ इस तरह का था, सारे आप लोगों ने सब देखा हुआ है, सब जानते हो। तो जो है ना इधर गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, जितनी वीडियोस मुझसे रिकॉर्ड होती गई मैंने जल्दी जल्दी बना के जो है ना फिनिश किया। तो इसकी क्लास में है तो बैकग्राउंड की देखे दीवार ख़राब हो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जैन नवाज, जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये इसको जानते हैं, ये कहता है मुझे कॉलेज में पूरा कॉलेज जानता है, तो आप मुझे कमेंट में बताना है इसको जानते हो आप, और इसका क्या नाम लोगों ने रखा हुआ है वो भी कमेंट में बताएं, मैं इनके दोस्तों को भी शेयर करूँगा, बताना यार इसका नाम क्या है और नाम क्या रखा हुआ है आपने, अगर कोई और इसको जानता है तो मुझे बताए, ठीक हो गया। तो आज हम कॉलेज में घूमने आए थे, मैंने आज छुट्टी मारी दफ्तर से, तो मैं इधर आ गया कॉलेज घूमने इसके कहने पे लेकिन यहाँ पे जलालत हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा जलालत, बहुत ज़्यादा गर्मी है, बाहर तो खड़ा नहीं हुआ जा रहा, यहाँ पंखों के नीचे बैठे हैं, हवा थोड़ी सी आ रही है लेकिन वो भी गर्म है। और लास्ट पे हम यार कॉलेज की पार्किंग में आ गए थे। ये वीडियो जो है ना अपने दोस्तों को शेयर करो जो कॉलेज छोड़ चुके हैं और मिस करते हैं कॉलेज को, तो उनके साथ ये शेयर करें, ये वीडियो देख के थोड़ा सा वो भी एंजॉय कर लें, क्योंकि कॉलेज में एक साथ इकट्ठे होना अब तो बहुत मुश्किल हो गया, वो हर बंदा अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा बिजी हो गया कि उसको इतना टाइम नहीं होता कि वो किसी से मिल सके। जब हम कॉलेज से निकले तो मुझे हर जगह पर ठाठा सोडे वाले ही नज़र आ रहे थे, मैंने कहा चलो आज इनका सोडा ट्राई करते हैं, हमने दो सोडे ऑर्डर किए तो उनमें से दोनों का कलर डिफरेंट था, और जो मेरे वाला था वो उसमें ब्लैक नमक जो है ना उसने ज़्यादा डाला हुआ था, लेकिन जो है ना उसने मेरा सारा गला ख़राब कर दिया था घर आने तक ही। तो यार अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो डोंट फॉरगेट लाइक कमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल और बेल का बटन दबा दें कि आपको आने वाली मजीद वीडियो आपको मिलती रहे।